हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टॉक्स मैग्नेट। आज हम डिस्कस करेंगे अंबुजा सीमेंट के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ही अच्छा और ट्रेंडिंग शेयर आज तो इसने धूम मचा दिया मार्केट में। जैसे मैं आपको दिखा सकती हूँ, ये पहले मार्केट यहाँ पे काफ़ी स्टार्टिंग में अप ट्रेंड था और अब यहाँ पे डाउन ट्रेंड शो हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट पर सपोर्ट ब्रेक किया जा रहा है। तो आज हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या हमारा सपोर्ट रहेगा, क्या हमारा रेजिस्टेंस रहेगा। अगर आप, वैसे भी इंट्राडे वाला शेयर है, तो अगर आप इंट्राडे करते हैं तो इसमें हम सेल साइड और बाय साइड जो भी आप करना चाहते हैं उसके टारगेट्स प्लस उसका स्टॉप लॉस हम डिसाइड कर सकते हैं, कि चेक कर सकते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस के थ्रू कि क्या इसका स्टॉप लॉस और क्या टारगेट हमारा रह सकता है। तो वीडियो में सिर्फ कुछ देर के लिए बने रहिए, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जूम करके दिखा देती हूँ, ये भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ ना, एक हमारा सपोर्ट जोन बन रहा है। पहले मैं आपको सपोर्ट दिखा देती हूँ, क्योंकि मार्केट यहाँ से डाउनफॉल हो रही है। तो मार्केट आज भी काफ़ी डाउन गई थी, देन मार्केट ने थोड़ा सा मूव दिखाया है। जैसे कि हाई लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई पे ये काम करा है, तो देन लोअर हाई एंड लोअर लो, तो फिर भी लोअर हाई और हो सकता है मार्केट अगेन यहाँ से गिरे लोअर लो। तो उसके अकॉर्डिंग जो हमारा बेस पॉइंट रह सकता है, फर्स्ट बेस पॉइंट है 398, जो जोन है ये देख सकते हैं, यहाँ से विक गई हुई है जोन है। ऊपर वाले पे यहाँ पे विक जाके फिर अटक गई है, मतलब नीचे तक नहीं आया, राइट। तो 398 से लेके 396 तक का हमारा इसका जोन है सपोर्ट जोन में। अब डिपेंड करते हैं कि 398 तक जाता है या 396 तक जाता है, वो हमें लाइव मार्केट में चेक करना पड़ेगा। बट यहाँ पे एक जोन हमें शो हो रहा है, उसके नीचे जो ये आप देख सकते हैं एक रेजिस्टेंस, आई मीन सपोर्ट है यहाँ पे अच्छा खासा, जो कि है 390 का है। 390 का हमारे यहाँ पे एक सपोर्ट आ रहा है, तो काफ़ी मुझे एग्जैक्ट मैं आपको बताऊँ तो 390.85 का यहाँ पे अच्छा खासा सपोर्ट है। अगर ऐसा गेन मार्केट गिरती है तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ तक मार्केट आ सकती है, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ। बात करते हैं अब रेजिस्टेंस लेवल की, अगर मार्केट यहाँ से ऊपर जाती है, जैसे देख रहे हैं अब देख सकते हैं ऐसे ग्रीन हमें शो हो रहा है, बाइंग साइड शो हो रही है। तो यहाँ से फर्स्ट जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा ये देख सकते हैं, यहाँ से एक लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं, जो कि है 408.20, मतलब 408.20 उसका नेक्स्ट जो रेजिस्टेंस शो हो रहा है हमारा 414 हमारा नेक्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर मार्केट इसको भी ब्रेक करती है तो ऑब्वियसली मार्केट 420 तक आ जाएगी, बट इतना ज़्यादा चांस नहीं है, जिसके अकॉर्डिंग अभी हाई लोअर लो लोअर हाई के अकॉर्डिंग मार्केट काम कर रही है, उसके अकॉर्डिंग काफ़ी अच्छी है। मैं आपको दोबारा दिखा देती हूँ ये सारी चीज़ें, ये देख सकते हैं यहाँ से ऐसे करके, देन लोअर लो लोअर आई के पॉइंट ऑफ व्यू से काम है उसके अकॉर्डिंग, राइट। बात करते हैं आगे कंपनी के रिगार्डिंग, तो आप देख सकते हैं इसकी जो स्ट्रेंथ है वो है 12 वीकनेसेस है, 3 अपॉर्चुनिटी है, 2 थ्रेट है, 2, तो काफ़ी अच्छी कंपनी, तो ऑल ओवर पॉजिटिव में है, बट इंट्राडे में तो अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं, राइट। अब देख सकते हैं मार्केट का क्या हालचाल रहता है। अगर एक चीज़ और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से यह सब्सक्राइब कर लो, साइड में पहले से बेल आइकन दिया होगा, ऑल नोटिफिकेशन पर ज़रूर क्लिक कर लेना, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाए। वीडियो को लाइक कर दो, जिससे मुझे पता चल जाएगा आपको वीडियो सच में अच्छी लगे और आप एक अच्छे ट्रेडर है, इससे मुझे पता चल जाएगा, राइट। प्लस आप हमें कॉमेंट भी कर सकते हैं, अगर आपको किस किस शेयर के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए या कोई न्यूज़ चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप मुझे बता देते हैं, उस शेयर के रिगार्डिंग मैं न्यूज़ प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूँगी। प्लस ट्रेडिंग करते रहिए और प्रॉफिट्स भी बनाते रहिए। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं आज का जो लो था, मतलब क्लोजिंग हुई है 405.45 पे, और आज का जो लो था यहाँ पे 398 था, हाई था 404.45, और ये था मार्केट का फ्लक्चुएशन। वॉल्यूम भी काफ़ी अच्छा यहाँ पे ट्रेड हुआ है, हम देख सकते हैं यहाँ पे ये वन डे के अकॉर्डिंग था। पर एक चीज़ मैं आपको बता देती हूँ, मार्केट की जो कैपिटलाइजेशन है 80.55 TCR है, तो काफ़ी अच्छी इसकी कैपिटलाइजेशन है। 5 डे के अकॉर्डिंग देख सकते हैं 1.23% का कंपनी ने रिटर्न प्रोवाइड किया, जो कि काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। प्लस यहाँ पे देख सकते हो 1 मंथ के अकॉर्डिंग है 9.46, तो जो स्विंग ट्रेडिंग जिन्होंने किया होगा 1 मंथ के लिए, तो वहाँ पे इनको ऑलमोस्ट 10% का यहाँ पे प्रॉफिट शो हो रहा होगा, यहाँ तक तो 10% से भी ज़्यादा अभी मार्केट ने थोड़ा सा यहाँ पे डाउनफॉल शो हो रहा है। 6 मंथ के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देख सकते हैं, 6 मंथ के अकॉर्डिंग जो यहाँ पे है 32.35% का है। बात करते हैं 1 ईयर के अकॉर्डिंग, 1 ईयर के अकॉर्डिंग 2.76% है, तो ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इसमें इन्वेस्ट करना आई थिंक सो नॉट, मतलब अदर अगर शेयर से बात करें तो इतना वैल्यूएबल नहीं है, क्योंकि परसेंटेज रिटर्न का कम है इसमें, पॉजिटिव तो है बट रिटर्न थोड़ा कम दिख रहा है। 43.75, मतलब 5 साल में क्या पैसा डेढ़ आया, तो इतना बैंक में भी हो जाएगा यार, तो वो चीज़ है। बाकी अदर अगर बहुत सारे शेयर्स होते हैं जिसमें 1000% हो जाता है,
तो ऐसे स्टॉक्स हमें स्विंग ट्रेडिंग आपको पोजिशनल्स के लिए करना चाहिए, इसके लिए मैं प्रेफर नहीं करूँगी। इसके लिए अगर सबसे बेस्ट रहेगा इंट्राडे, तो इंट्राडे में काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें प्रोवाइड करते हैं, इसकी अप मोमेंटम डाउन मोमेंटम भी काफ़ी अच्छा है, तो दोनों साइड से हम इजीली इसमें प्रॉफिट बना सकते हैं। तो अगेन सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, एंड सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको अपने साइकोलॉजी पे, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी साइकोलॉजी अच्छी होगी यहाँ पे, आप थोड़ा पेशेंसली वर्क कर पाएंगे तो आप मार्केट में टिके रहेंगे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। सबसे अच्छी चीज़ है कि कीप ट्रेडिंग, बुक योर प्रॉफिट्स, एंजॉय प्रॉफिट्स, एंड मनी मैनेजमेंट पे भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। तब तक के लिए बाय बाय।